आज हम मिलवाने वाले हैं एमी को, मतलब जैसे डॉक्टर से कंसल्ट किया था, उन्होंने तो मना किया था, बट हमने बहुत रिसर्च करी है उसके बाद ही हमने ला रहे हैं, क्योंकि एमी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, वो वाइट से ब्राउन हो चुकी है और एज उसके बाल भी खराब हो चुके हैं, नींद इतनी आ रही है, हम बाल ले रहे हैं, अंदर भाग रही है बार-बार, बट उसको अभी नहीं लाएंगे क्योंकि छत पे है धूप, तो उसको पहले हेयर ड्रेसर अच्छे से सुखा के धूप में ले जाएंगे। तो पहले हम काटेंगे एमी के आँखों के आगे के बाल। लिए देखो ये ले, ये ले, ऊपर के थोड़ा कटेंगे इसके बाद। एक बार देखो इसकी आंखों में कुछ अभी तो नहीं है, पहले से अब सही हो गया, और ये वाले काटने पकड़ इसको। देखो मम्मी ये देखो इसकी आंख से पानी निकल के लाल लाल दिख रहा है। हाँ अभी साफ हो जाएगा। चल मम्मी इसके ना छोटी के नीचे के बालों में गांठें बन रही है, वाले बाल भी काटे, वो तो धुलने से सही हो जाएंगे, काटेंगे क्यों मेरे बाबू। बस बस हो गया। तो एमु तो बहुत अच्छा बच्चा है, एमु तो पहले पकड़ने तुम। हाँ चल बस डॉक्टर जितने चिन्ह करवाए जितने हमसे कटाए दिंग दिक दिक दिक। चलो 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 दिखाओ, अब तो इसकी पूरी आईज दिख रही है हमें। दिखाओ एमु, दिखाओ दिखाओ सबको, ऊपर दिखाओ मेरे बच्चा। देखो गाइस इसकी आंखें हैं, इसकी आंखें बारी बारी आंखें हैं। ये धुलाई चालू होते हैं। नहीं डर रही है, फर्स्ट बात है ना तो सब डरते हैं। पानी मुंह पे मत डालो। अरे यार ये मुझसे अकेली नहीं जा रहे, पकड़ो आप। कोई नहीं चल चल, हो गया हो गया हो गया हो गया, शैम्पू डालो। ओए मुंह की नोमी मुंह पे नहीं, मम्मी मुंह पे नहीं। अरे हाँ आराम। ओए कितनी पतली है यार, पतला है मेरा बच्चा। जिस एरिया में हम रहते हैं यहाँ पे ठंड आ चुकी है, ऐसा आप देख सकते हैं, मैं जैकेट पहन के घूम रही हूँ। एक्चुअली मेरी तो थोड़ी तबीयत भी खराब है ना, मैंने इसलिए भी पहनी हुई है, और बाकी एमू भी नहाली, इसलिए हमने एमू को भी निकाल दिया, नहला दिया, क्योंकि बोल रहे 3 महीने बाद नहलाओ, और हमने रिसर्च किया, कह रहे 6 हफ्ते के ऊपर वाले बच्चे को नहला सकते हैं, एंड आगे जाके अगर 3 महीने बाद नहलाएंगे तो उसको नवंबर या दिसंबर में नहलाना पड़ेगा। तो वहाँ पे तो इस मतलब जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे ठंड तो भाई ज़्यादा ही होती है, नानी के घर के एरिया से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें इस तरह तो जब नहलाएंगे तो बच्चा और परेशान ना हो जाए, इसलिए हमने अभी नहला दिया, और वो ठीक है, खुश है वो। है ना नोन मैम, है ना नोनू भैया? हाँ सूख चुकी है, बट हम फिर भी इसको थोड़ी देर धूप में रख रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा मेरा बच्चा सुंदर सुंदर हो जाए। सुंदर तो है ही, वैसे चिताती भी बहुत है, देखो अपनी पूछ खा रही है। एमू अपनी पूछ कौन खाता है? खा रही है क्या वो? हाँ काट रही है अपनी पूछ पे, साफ कर रही है अपने आप को, अभी तो नहा के आई है बेटा, और कितना साफ करेगी। गुडी गर्ल फ्रेंड्स, अभी कितनी पतली हो गई थी, मतलब पता चलता है इसके बाल ही बाल है और कुछ नहीं है इस पे। बड़ी छत है, दिखाती हूँ आपको, ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब ये छत है और ये छत है नीचे वाली, और धूप सिर्फ इस कोने में, तो मैं मम्मी को लेकर फिर इधर ही बैठ गए, थोड़ा सा इसको धूप लगेगा, इसको अच्छा लगेगा। जो अदर ब्लॉग्स, तो आज है एमी की वैक्सीन नंबर 3 की डेट, तो आज वही लगाने जाना है, एंड हम रेडी हैं और मम्मा भी रेडी हैं, तो बस अब हम निकलते हैं। एमी सो रही है, एमी को भी उठाना है, अभी इस रूम में ब्लैकआउट है, एमू शो रहा है, दिख भी नहीं रही होगी, तो मैं एमी को उठाती हूँ फटाफट। हम घर आ चुके हैं, मासी और मासी अभी लंच कर रहे हैं, और एमी अभी कितना खेली मासी, हम तो भूल ही गए थे कि वो भी आ रही है। है और देखो किसी का मुंह उतरा हुआ है, वो देखो मैगजीन नाराज है। और वो गेम मैं एमी वहाँ पे साथ ना चाची के घर चाची से मिलने गई है, बट अब तो यहाँ पे के रह सकती है वो, सकती क्योंकि टिक्स खत्म हो चुके हैं, उसकी दवाई लगा दी थी, तो अब वो नहीं है, अब घर साफ है बिल्कुल, तो एमी अब वहीं पे जाएगी, फिर मिलने आई है यहाँ पे, खेल रही है, काट रही है भाई, माची बुला ली, उधर माची बुला ली है एमू को, एमू नो मैं वैक्सीन लगा के आ चुकी है, और आज टाइम हो रहा है 7:30, मामा और नोनू भैया एज यूजुअल गए थे वैक्सीन लगवाने एमी को। नानी से अपनी फेवरेट डिश मंगवाई है, तो वो पैक कर रहे हैं, और आज श्यामा मासी हमें छोड़ने जा रही है कार में, क्योंकि हर बार का ड्रामा है, कोई कैब नहीं आती। बुकिंग ही नहीं लेती हमारी रात की, है ना? नहीं लेती है ना मासी, वगैरह रात को हमारी कैब भी बुक नहीं होती, इसलिए आप छोड़ने जा रहे हो आज। हाँ आज मैं छोड़ने जा रही हूँ, आ जाओ छोड़ के जाएंगे ये,
आइए घर जाते हैं। बाय मामा। बाय एमी। एमी बाय। एमी बाय। नॉनी मेरी फोटो नॉनी एमी दिखता। नॉनी एमी बाय। एमी बाय। बाल कंगी खराब हो गए। इसे कंगी करनी पड़ेगी। घर जाके ना सारे बाल खराब। क्या इतने स्मूथ आपके बाल पीछे करते हैं। और आपके साथ चलो मम्मी मना कर रहे थे मैं लेना मैं ले लिया। मम्मी मिट्टू को देख रही है एंड उसको रिएक्शन देखो। ये देखो ये देखो पूरी उसके साथ मुंह हिला घुमा रही है अपना। ये तो मैं एक्सी से दोस्ती भी करने जा रही थी बट हमें जाने नहीं दिया। हमें डर है ज्यादा छोटी है ना ये है ना मामी। इसके साथ रिस्क मत लो किसी के साथ भी ले सकते हैं। खुश खुश वो देखो देखो बैठ के जा रही है गाड़ी के डेस्कटॉप पे। हाँ और पता है इसे डेस्कटॉप पे क्यों बैठा दे क्योंकि वहाँ पे शांत रहती है ना मासी। तो अभी वहाँ पे आराम से बैठेगी। नहीं नहीं जाएगी तो नहीं नहीं पहले भी बैठी थी दूसरी बार बैठी। मम्मी तो कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गई आगे वो हमारी तरफ देख भी नहीं आई। पेट्रोल पंप आए थे तो लाइट थी तो इसलिए हमने मैंने रिकॉर्ड करा। हाँ नीचे छोड़ेंगे इसका रिएक्शन। सो चलो आई नहीं आई पूछ ही ला दी वही है एंड शी इज सो हैप्पी कि हम घर आए हैं। ओए ओए हैप्पी बच्चा हैप्पी 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 भाई हैप्पी हैप्पी हो गया भाई मैं अपने गर्ल आ गया भाई। हैप्पी एमी एमी हैप्पी। हाँ भाई पूरा दिन सुट रहती है और आते ही इसकी शैतानियाँ शुरू। ऊपर टिश्यू पेपर का रैपर पड़ा था वो उठा लिया मैडम जी ने। ये सैंडल्स लेके भाग रही है इधर से उधर मतलब इसको वहाँ देखो 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 बस घर आने की शरारतें शुरू। एमू को पता है एमू का गल है ये एमू को पता है एमू का गल है आई नी। सो फ्रेंड्स ऑल्सो लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स। बाय बाय कल मिलो एक मिनट लाइक करके जान। सॉरी है ये कैसे सॉरी है मैं आगे जाके दिखाऊंगी रुको। थक गई यार बहुत थक गई। ओई नी मेरे बच्चे कैसा सो रहा है पैर दबा पैर में दर्द हो रहा है मम्मी पैर से पैरों में आ रहे मेरे बच्चे के पैरों में दर्द हो रहा है। दबा दो पैर दबाओ इसके बोले बोले कैसे अंगड़ा खींच रही है ना ये। हां पैर दबाओ आई नी क्रॉसिंग दे दे थोड़ी सी है? थोड़ी सी क्रॉसिंग दे दे रोज रोज नहीं बस अभी पैर पूछ कर दे देखो तू कितना आराम लग रहा कुछ कह नहीं रही वो। हाँ अच्छे से दबा दो। गाइज ये देखो आज अपनी नानी के घर गई थी और ये आज इतना थक चुकी है। ये देखो नोनू और बरी इसके पैर दबा रहे हैं और इसको बिल्कुल भी होश नहीं है और ये कह रही है बस मुझे दबाते जाओ और आराम कर रही है। देखो मैं सोच रही हूँ ज्यादा वरना ये ऐसा बच्चा है इसको हल्की सी आहट हो ना मतलब मैं इतना बोल रही हूँ इतने में तो उठ के बैठ जाइए और इसको बिल्कुल होश नहीं है। आज इतना थक चुकी है यहाँ से वहाँ जाना फिर वहाँ से आगे डॉक्टर के जाना फिर गाड़ी में आना फिर गाड़ी में जाना ये बहुत ज़्यादा थक चुकी है इतनी यात्रा करके। ठीक है वो ये देखो ये देखो मतलब अच्छा लग रहा है इसको और ये मना नहीं कर रही और ये देखो कैसे फ्लैट पड़ी हुई है। ये मेरे परमात्मा इंसान तो इंसान जानवरों को भी सेवा करवानी है अपनी पता।